प्रॉफ़िटेबल कंपनीज़ या तो अपने प्रॉफिट को बिज़नेस में री कर देती हैं या फिर अर्निंग्स को फ्यूचर की ज़रूरतों के लिए होल्ड करती हैं और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाए तो कंपनीज़ यदि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में बांटती हैं तो या तो ये कैश डिविडेंड के रूप में दिया जा सकता है या फिर शेयर रिपर्चेस या बाईबैक करके एक कंपनी पूरे साल में जितना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देती है यदि उसे उस कंपनी के शेयर प्राइस से डिवाइड करें तो निकल कर आता है डिविडेंड ईल्ड नमस्कार आप देख रहे हैं फंडनामा मैं हूं पंकज मटपाल फंडनामा के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे डिविडेंड ईल्ड फंड की और साथ ही मैं रिव्यू करूंगा आयते बिरला सन लाइफ डिविडेंड ईल्ड फंड को डिविडेंड ईल्ड फंड एक म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है ये ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम होती है जो अपने टोटल असेट का मिनिमम 65 परसेंट इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करती है ये स्कीम्स प्रीडोमिनेंटली हाई डिविडेंड हिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती हैं हाई डिविडेंड हल्डिंग स्टॉक्स का मतलब है कि यहाँ पर कंसिस्टेंट डिविडेंट पे आउट देखा जाता है या फिर डिविडेंट पे आउट में ग्रोथ की संभावना देखने को मिलती है 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 ये relatively more matured businesses होते हैं जिनमें करने की की होती है। Falling market में companies में में इन कम होता है और reviving market में capital appreciation की अधिक पॉसिबिलिटी देखी जाती है साथ ही इस तरह की कंपनीज में ऑप्टिमम यूजेज ऑफ फ्री कैश फ्लो गुड ऑपरेशनल हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स देखने को मिलती है एक डिविडेंड ईल्ड फंड के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स होते हैं जब उन स्टॉक्स पर डिविडेंड मिलता है तो उस डिविडेंड से और अधिक हाई डिविडेंड पे करने वाले स्टॉक्स बाय कर ले जाते हैं और इस तरह से वो डिविडेंड उस स्कीम में री इन्वेस्ट हो जाता है जिससे फंड की परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो जाती है तो ऐसी कंपनीज जो रेगुलर डिविडेंड डयर करती हैं उनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होता है और ये जनरली एस्टेब्लिश कंपनी होती हैं जो अपने क्षेत्र में लीडर मानी जाती हैं और इस तरह की कंपनीज हर सेक्टर में देखी जा सकती हैं। हाई डिविडेंड ईल्ड से कंपनी के सस्टेनेबल फ्यूचर परफॉर्मेंस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का अंदाजा लगाया जा सकता है और ये कॉरपोरेट गवर्नेंस को भी दर्शाता है अब बात करते हैं आयते बिरला सन लाइफ डिविडेंड ईल्ड फंड की ये एक वेल डाइवर्सिफाइड स्कीम है जो प्रीडोमिनेंटली हाई डिविडेंड यील्ड इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है ये स्कीम उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है जिनका डिविडेंड यील्ड निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स के एन द्वारा लास्ट रिलीज या पब्लिस्ड डिविडेंड यील्ड से अधिक हो यानी कि ये वो कंपनीज हैं जो रेगुलर डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं एज ऑन थर्टी सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री आयते बिरला सन लाइफ डिविडेंड ईल्ड फंड में 58 स्टॉक्स हैं और स्कीम्स का अक्रॉस मार्केट सेगमेंट एक्सपोजर है और यदि बात की जाए स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस की तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह स्कीम 26 सिक्स 2003 टू को लॉन्च हुई थी और सिंस इंसेप्शन इस स्कीम ने 18.43 परसेंट का रिटर्न डिलीवर किया है ये मैं बात कर रहा हूँ एज पर एन ऑफ थर्टींथ अक्टूबर 2023 वहीं यदि लास्ट वन ईयर की बात की जाए तो लास्ट वन ईयर में इस स्कीम ने लगभग 30 परसेंट का रिटर्न डिलीवर किया है वहीं लास्ट थ्री ईयर्स का सी 25.81 परसेंट और लास्ट फाइव ईयर्स का सी 16.44 परसेंट रहा है यदि किसी इन्वेस्टर ने इंसेप्शन पर यानी कि 26 फेब 2003 को इस स्कीम में वन लाख रुपीज लमसम इन्वेस्ट कर दिए होते तो एज ऑन हो थर्टी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री टोटल थर्टी टू लैख थाउजेंड सेवन हंड्रेड रुपीज लाख तिरासी हजार सात सौ रुपए मतलब इकतीस लाख तिरासी हजार सात सौ रुपए का नेट प्रॉफिट वही यदि किसी इन्वेस्टर ने इंसेप्शन पर इस स्कीम में ₹10000 पर मंथ की एसआईपी की होती तो एज ऑन 13th अक्टूबर 2023 1 करोड़ 35 लाख 86000 889 रुपए इकट्ठा हो गए होते मतलब कि टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता 24 लाख 80000 रुपए तो मतलब एक्स आई आरआर निकल कर आता है 14.44% इस स्कीम में मिनिमम लमसम अमाउंट किया जा सकता है रुपीज वन थाउजेंड और मिनिमम एस आई पी भी वन थाउजेंड की की जा सकती है स्कीम का बेंच मार्क निफ्टी फाइव हंड्रेड टी आर आई है और स्कीम का बीटा पॉइंट एट थ्री और एल्फा फोर पॉइंट नाइन फोर है अब बात करते हैं स्कीम के एक्सपेंस रेशियो की तो एज ऑन थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है टू पॉइंट थ्री फोर परसेंट और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.59 साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि यूनिट्स अलॉट होने के विदिन 90 डेज यदि यूनिट्स को रिडीम किया जाता है तो यहाँ पर वन परसेंट का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा लेकिन नाइन्टी डेज पूरे हो जाने के बाद यदि इन्वेस्टर्स यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो कोई एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होगा इस स्कीम के फंड मैनेजर्स हैं मिस्टर धवल गाला और मिस्टर धवल जोशी तो अक्सर हम बात करते हैं लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप लेकिन कुछ थीमेटिक फंड्स भी काफ़ी यूजफुल होते हैं और इन्हें पोर्टफोलियो में शामिल करना शायद लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो आज मैंने बात की डिविडेंड ईल्ड फंड की और साथ ही आदित्य बिरला सन लाइफ डिविडेंड ईल्ड फंड जो इस कैटेगरी का एक बेहतरीन फंड है उसे भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी तो इन्वेस्टर्स अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए अपने पोर्टफोलियो में इस तरह की स्कीम को शामिल कर सकते हैं तो फंडनामा के इस एपिसोड में इतना ही लेकिन आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी नमस्कार म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।